तो 30,000 के अंदर में आपका बजट है और आप सर्च कर रहे हैं एक ट्रू फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन जिसमें आपको डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा, चिपसेट और यूजर एक्सपीरियंस के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना ना पड़े। तो मैंने इस वीडियो में आपके लिए टॉप 5 बेस्ट 5G फोन शॉर्टलिस्ट के जिन्हें आप 30,000 के अंदर में बाय कर पाओगे इन 2024। और मैंने जितने भी फोन इस लिस्ट में ऐड किए हैं वो सारे के सारे फोन अपने प्राइसिंग पे एक बेस्ट डील रहने वाली है, लेकिन तब भी आपको अपने लिए एक बेस्ट फोन पिक करने में आसानी हो तो मैंने इन सारे फोन को ऑल ओवर प्राइस और स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर नंबर 5 to 1 रैंक वाइज ऑर्डर किया है। और 5th नंबर पे आता है वीवो V30 5G। और देखो ये फोन उनके लिए बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है जिनको 30,000 के अंदर में काफी स्टाइलिश और लाइट वेट पॉकेट फ्रेंडली फोन बाय करना है जिसका कैमरा भी टॉप नॉच का हो तो देन आप इस फोन को बाय कर सकते हो। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 1.5K के रेजोल्यूशन वाली 6.78 इंचेस की FHD+AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो एक कर्व डिस्प्ले है जिसपे 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट भी काम करती है। तो देखो पर्सनली मुझे इसका डिस्प्ले काफी अमेजिंग लगा, बट इसमें आपको सिंगल स्पीकर दिया गया है जो काफी डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन इसमें आपको 2800 निट्स की पीक ब्राइटनेस और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और इसके साथ ही इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि सपोर्ट करती है 80W के सुपर फास्ट चार्जिंग को। और इसके परफॉर्मेंस वाले पार्ट पे इसमें आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का 5G चिपसेट दिया गया है जिसमें 5G के 15 बैंड्स भी ऐड किए गए हैं। और देखो 8 लाख के आसपास इसका एंथ्रो स्कोर कर जाता है और ये चिपसेट 24nm पे बेस है। तो देखो वैसे तो ये प्रोसेसर काफी अच्छा है बट वीवो ने इस चिपसेट को गेमिंग के लिए अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं कर रखा है। और ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर रन करता है जहाँ पे आपको 3 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है। और इसके कैमरा की बात करें तो इसके बैक साइड में आपको डुअल कैमरे का सेटअप दिया गया है जिसमें से मेन कैमरा 50 MP का है विद अपर्चर 1.9 और इसका मेन कैमरा OIS को भी सपोर्ट करता है और इसमें सोनी IMX920 का कैमरा सेंसर लगा है। और सेकंड कैमरा 50 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है और सामने की तरफ आपको सेंटर पंच होल में 50 MP की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। तो देखो वीवो के स्मार्टफोन अपने ऑसम कैमरास के लिए जाने जाते हैं और नो डाउट इसका भी कैमरा काफी अमेजिंग है और इवन आप इसके फ्रंट और बैक कैमरा से 4K 30fps पे वीडियो भी शूट कर पाओगे। और बात करें इसके प्राइस की तो इसके 8128 का प्राइस वैसे तो 34,000 पड़ता है बट बैंक ऑफर अप्लाई करने के बाद और यह ऑफलाइन मार्केट में भी ये फोन आपको अंडर 30 के आराम से मिल जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और 4th नंबर पे आता है OnePlus 11R। और ये फोन प्रीवियस ईयर का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है जिसका लॉन्चिंग प्राइस 40,000 के आसपास था बट अभी के समय आप इस डिवाइस को बिना किसी बैंक ऑफर अप्लाई के अंडर 30 के बाय कर पाओगे। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 1.5K रेजोल्यूशन वाली 6.74 इंचेस की 10 बिट्स वाली AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो एक ब्यूटीफुल कर्व डिस्प्ले है जिसपे 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट भी काम करती है। और देखो आपको इसका डिस्प्ले रियली में काफी जबरदस्त लगने वाला है। और उसके अलावा 360 हर्ट्ज का TSR और 1450 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है एंड ऑल्सो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और डुअल स्पीकर भी दिया गया है जो इसके डिस्प्ले को और अमेजिंग बनाने वाला है। और इसके साथ ही इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि सपोर्ट करती है 100W के सुपर फास्ट चार्जिंग को। और इसके परफॉर्मेंस वाले पार्ट पे इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8+Gen 1 का 5G चिपसेट दिया गया है जिसमें 5G के 9 बैंड्स पे ऐड किए गए हैं और बाकी ये प्रोसेसर 14nm पे बेस है। और देखो 10 लाख के आसपास इसका एंथ्रो स्कोर कर जाता है और आप इसके ऊपर BGMI को 90fps पे हाई सेटिंग पे रन कर पाओगे एंड ऑल्सो इसमें आपको LPDDR5X की रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज भी दी गई है। और ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पे अपग्रेड हो चुका है और बाकी 2 साल का और मेजर अपडेट भी इन फ्यूचर मिलने वाला है। और बात करें इसे कैमरा की तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है जिसमें से मेन कैमरा 50 MP का है और इस पे सोनी IMX890 का कैमरा सेंसर लगा है और इसका मेन कैमरा OIS को भी सपोर्ट करता है और आप इससे 4K 30fps पे वीडियो भी शूट कर पाओगे। और उसके अलावा 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 का माइक्रो सेंसर भी दिया गया है और सामने की तरफ आपको पंच होल में 16 MP की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। तो देखो मैं इसे कैमरा को एकदम ओवर द टॉप नहीं बोलूंगा बट आप इसके कैमरा से दिन के समय काफी अच्छे पिक्चर्स और वीडियोस ले पाओगे। और बात करें इसके प्राइस की तो इसके 8128 का प्राइस 30,000 पड़ता है और यदि आपको 30,000 के अंदर में OnePlus का एक बेस्ट फोन बाय करना है तो आप इस डिवाइस को Amazon से बाय कर सकते हो। और उसके बाद फाइनली बात करते हैं और 3rd नंबर पे आता है 30,000 के अंदर में वन ऑफ द बेस्ट अल्टीमेट गेमिंग फोन POCO F6 5G। और ये फोन इंडिया में रिसेंटली लॉन्च किया गया है और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 1.5K
रेजोल्यूशन वाली 6.67 इंचेस की 12 बिट्स वाले एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जिसपे काम करती 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और उसके अलावा 2400 निट्स की पीक ब्राइटनेस और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। एंड ऑल्सो इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन भी दी गई है। तो देखो इसमें आपको फ्लैट डिस्प्ले दी गई है जिसकी क्वालिटी काफी अमेजिंग है। और देखो ये गेमिंग फोन है और गेमिंग के लिए फ्लैट डिस्प्ले ही बेटर होती है। और इसके साथ ही इसमें आपको 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी दी गई है जो कि सपोर्ट करती है 90 वाट के सुपर फास्ट चार्जिंग को। और इसके परफॉर्मेंस वाले पार्ट पर इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 का 5G चिपसेट दिया गया है, जिसमें 5G के 15 बैंड्स भी ऐड किए गए हैं। और देखो 15 लाख के आसपास इसका एंटीथू स्कोर कर जाता है और ये चिपसेट ओनली 4nm पे बेस है। और ये एक प्योर गेमिंग प्रोसेसर जिसपे पबजी को 90-120 FPS पे हाईएस्ट सेटिंग के ऊपर वेरी स्मूथली रन कर पाओगे। और बाकी इसमें आपको LPDDR5X की रैम और UFS 4.0 की स्टोरेज भी दी गई है। और ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पे रन करता है, जहाँ पे आपको 3 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है। और इसके कैमरा की बात करें तो इसके बैक साइड में आपको डुअल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसमें से मेन कैमरा 50 MP का है और इसमें सोनी MX882 का कैमरा सेंसर लगा है। और इसका मेन कैमरा OIS को भी सपोर्ट करता है और आप इससे 4K 30 FPS पे वीडियो भी शूट कर पाओगे। और सेकेंड कैमरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है और सामने की तरफ आपको पंच होल कटआउट में 20 MP की सेल्फी सेंसर दी गई है। और देखो ये गेमिंग फोन है और इसका गेमिंग परफॉर्मेंस टॉप नॉच का है, बट इसके कैमरे की परफॉर्मेंस इसके प्राइसिंग को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती है। बट आप इसके कैमरा से दिन के समय ठीक ठाक पिक्चर्स और वीडियोस ले पाओगे। और बात करें इसके प्राइसिंग की तो इसके 8256 का प्राइस 30,000 पड़ता है। और यदि आपको 30,000 के अंदर में एक बेस्ट परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन बाय करना है तो आप इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। तो हाँ चलिए अब इस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सेकेंड नंबर पे आता है Realme GT 6T 5G। और देखो ये फोन इंडिया में हाल फिलहाल ही लॉन्च किया गया है, जो अपनी प्राइसिंग पे आपको बेस्ट स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है। और इसमें आपको 6.78 इंचेस की LTPO AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो एक ब्यूटीफुल कर्व डिस्प्ले है जिसपे काम करती 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट। तो देखो 30,000 के अंदर में इसका डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट डिस्प्ले में से एक है, क्योंकि इसमें आपको 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। एंड ऑल्सो इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर और गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 की प्रोटेक्शन दी गई है। और मल्टीमीडिया को लंबे देर तक एंजॉय करने के लिए इसमें आपको 5500 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि सपोर्ट करती है 120 वाट के सुपर फास्ट चार्जिंग को। और इसके परफॉर्मेंस वाले पार्ट पे आए तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3 का 5G चिपसेट दिया गया है, जिसमें 5G के 13 बैंड्स भी ऐड किए गए हैं। और देखो ये प्रोसेसर ओनली 4nm पे बेस है और देखो 14 लाख के आसपास इसका एंटीथू स्कोर कर जाता है। और बाकी इसमें आपको LPDDR5X की रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज भी दी गई है। और ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 पे रन करता है, जहाँ पे आपको 3 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है। और इसके कैमरा की बात करें तो इसके बैक साइड में आपको डुअल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसमें से मेन कैमरा 50 MP का है विद अपर्चर 1.9। और इसका मेन कैमरा OIS को भी सपोर्ट करता है और आप इससे 4K 30 FPS पे वीडियो भी शूट कर पाओगे। और सेकंड कैमरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है और सामने की तरफ आपको पंच होल में 32 MP की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। एंड ऑल ओवर इसका कैमरा रियली में काफी अमेजिंग काम करता है और आप इसके बैक और फ्रंट कैमरा से 4K 30 FPS पे वीडियो भी शूट कर पाओगे। और बात करें इसके प्राइसिंग की तो इसके 8256 का प्राइस वैसे तो 33,000 पड़ता है, बट बैंक ऑफर अप्लाई करने के बाद आप इस डिवाइस को 30,000 के अंदर में बाय कर पाओगे। और यदि आप इस रियलमी के डिवाइस पे इंटरेस्टेड हो तो आप इस डिवाइस को अमेजोन से बाय कर सकते हो। और इसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं और फर्स्ट नंबर पे आता है मोटो का ट्रू फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन Moto H50 Fusion Pro 5G। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 6.7 इंचेस की फुल HD+ PoLED कर्व डिस्प्ले दी गई है, जिसपे काम करती 144 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और उसके अलावा 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और आप देख सकते हो इसका डिस्प्ले तो रियली में काफी अमेजिंग तो है ही। और आपके मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को और इनहेंस करने के लिए इसमें आपको डुअल स्पीकर भी दिया गया है और साथ ही इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि सपोर्ट करती है 68 वाट के सुपर फास्ट चार्जिंग को। और ये फोन 50 वाट के वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। और इसके परफॉर्मेंस वाले पार्ट पे इसमें आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 का 5G चिपसेट दिया गया है, जिसमें 5G के 15 बैंड्स भी ऐड किए गए हैं। और देखो 8.5 लाख के आसपास इसका एंटीथू स्कोर कर जाता है एंड दिस प्रोसेसर इज बेस्ड ऑन ओनली 4nm। और बाकी इसमें आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है और इसमें आपको IP68 की रेटिंग भी दी गई है। और ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 पे रन करता है, जहाँ पे आपको
आपको 3 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है। और बात करें इसके कैमरा की, तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसमें से मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है विद अपर्चर 1.4, और इसका मेन कैमरा ओआईएस को भी सपोर्ट करता है। और उसके अलावा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 10 का टेलीफोटो लेंस दिया गया है। और सामने की तरफ आपको 50 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। तो हाँ देखो, इस पर मोटो ने कैमरा के मामले में काफी अमेजिंग वाला काम किया है, और आप इस फोन को 30,000 के अंदर में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन इजीली बोल सकते हो। और आप इसके बैक और फ्रंट कैमरा से 4K 30 FPS पे वीडियो भी शूट कर पाओगे। और बात करें इसके प्राइसिंग की, तो इसके 8256 का प्राइस वैसे तो 32,000 पड़ता है, बट बैंक ऑफर अप्लाई करने के बाद आप इस डिवाइस को 30,000 के अंदर में बाय कर पाओगे। और 30,000 के अंदर में ये फोन आपको बेस्ट